तो गाइज इस वाले वीडियो को मैं भैया के फ़ोन से शूट कर रही हूँ ताकि मैं आप सबको दिखा सकूँ। ये रहा मेरा फ़ोन स्टैंड, उन्होंने ऐसे बना दिया है, यहाँ पे रख के मैं शूट कर रही हूँ वीडियो को। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज रेनू हियर। तो गाइस एक्चुअली ये वीडियो जो मैं हाफ आधा से शूट कर रही हूँ, ये वीडियो जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला था, सेम डे मैं दो ब्लॉग बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए लाया वाला, इसके बाद अभी मैं जाऊँगी ये सब पानी और ये इसको लेके। पहले उन्नू लोग गया है ना वो बेम्बू काटने के लिए, तो भैया आए हैं तो वो बोल रहे चलो मुझे भी चलने के लिए बोल रहा है, तो ठीक है चलो मेरा एक और ब्लॉग बन जाएगा, इसीलिए मैं भी साथ जा रही हूँ और वो लोगों को थोड़ा पानी उन्हें भी पहुँचा दे रही हूँ। तो वीडियो पे बने रहना और मेरे साथ चलिए बेम्बू के बागान पे। चलिए, वो भैया का दाव अजीब वाला है, स्टाइल वाला दाव है ये देखो। तो हम लोग यहीं से होके गुजरेंगे दोस्तों, बेम्बू का बागान भी यहीं से कि गुजरते हैं। लेकिन आज तो अभी मेरे साथ सिर्फ फर्क इतना ही है कि अभी मेरे पास मम्मी नहीं है, मम्मी नहीं जा रही है मेरे साथ, मेरे साथ जा रहे हैं भैया, मैं भैया के साथ जा रही हूँ। वहाँ पे देखिए, तो देखिए अभी हम लोग जंगल की ओर जा रहे हैं, ये सब बागान देखिए। चाहिए गेट है ये, वो जो वो ये गेट जो ना बाउंड्री है। अच्छा अच्छा, यहाँ से मतलब जंगल शुरू है। ओ, वो यहाँ से मतलब ये अंदर में अंदर अलग बस्ती है। ये है आदि गेट पतोर, पतोर बोलते हैं। ओके चलिए, तो यहाँ से हम लोग जंगल की ओर एंटर कर गए हैं। अभी यहाँ में पूरा तो देखिए यहाँ पे पीछे है पानी, पानी है और एक पाइनएप्पल है। तो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, वो लोग को देंगे क्योंकि वो लोग भी अभी पूरा प्यासा होंगे। देखिए मैं पानी लेके जा दे रही हूँ, मैं नहीं, हम भैया हम दोनों। ये रेम्बू लोग ना बस्ती में जितना है, जितना मतलब घर है, हर घर में एक एक मतलब थोड़ा थोड़ा करके दिया है, किसी पार्टिकुलर आदमी का नहीं है ये। अच्छा, बस्ती में ऐसा मतलब नियम बना के रखा है। अच्छा अच्छा, तो अभी जो नया आया है ना, अभी भी नया नया सेटलमेंट होने वाला है, तो हाँ हाँ। तो वो लोग को मतलब अभी तक दिया नहीं है। अच्छा, वो लोग अभी बाद में अब तक 20 ईयर्स के बाद देगा होगा। अच्छा, अगर दोनों से बस्ती से कोई मतलब किसी और जगह में जाता है तो उसका इनको भी बेम्बू को भी यही में छोड़ के जाते हैं, वो उसको नहीं, नहीं बेच सकते उसको ना। ओ, बस्ती से आउट होगा तो नया आने वालों को दे देता है। ओ ऐसा ना, अच्छा ऐसे ऐसे अच्छा है ना, ऐसे दिख रही, तो बेच के दूसरा को दे देगा ना, ऐसे ठीक नहीं है। ये जितना भी देखने से एक आदमी का नहीं है, सबका मतलब अलग अलग घर का है। और अभी हम लोग का घर का पहुंचने वाला है ना, हम लोग का तो वो आगे में है, जो बाउंड्री अलग करता है। कैसे जाएंगे ना, तो हम लोग यहाँ से होके जाएंगे अंदर, मैं तो अपना सांस फूल लिया हूँ। और एक घर में दो दो मतलब दो बुकने वाला नहीं है, दो दो हिस्सा बुकने वाला नहीं है। ओ, एक घर को एक ही मिलेगा ना बागान, जो बागान में थोड़ा थोड़ा करके दे रहे सबको। अब एक घर में दो बुकने से तो नहीं पहुंचेगा ना, नहीं पहुंचेगा, इतना बच्चा होता है। बागान भी बहुत बड़ा है, ओ वहां तक। अच्छा, 20 एकड़ से ऐसा होता होगा, ओ ज्यादा भी होता होगा, कम भी होता होगा। तो अच्छा, भैया से बहुत अच्छा अच्छा नॉलेज मिला है, यहाँ में बस्ती में ऐसा होता है, बस्ती का रूल्स जो ऐसा है बोल के, तो बहुत अच्छा लगा। गाइस आप सबको कैसा लगा ये रूल्स जो, प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो गाइस देखिए हम लोग बेम्बू बागान के बीचों बीच पहुँच गए हैं, देखिए चारों ओर बेम्बू बागान है यहाँ पर, देखिए वो देखिए यहाँ पे है। ओ दया, उस तरह वाला हम लोग का है, इस तरह वाला दूसरा। और यहाँ पे कोई बाकी लोग नहीं है, ये वाला पापा है
तो यहाँ में तीन भाई और एक मैं, देखिए ये देखिए ये देखिए पापा, ये देखिए पापा और वो वाला जो चेक चेक पहनने वाला, ये जो बड़ा भैया है, ये सेकेंड भैया है, ये थर्ड है उन्नू, ये देखिए भैया पिया, अभी अभी भैया पिया है, और ये सेकेंड भैया, गरम वाला दारू, ये तीनों भैया है, सबसे बड़ा भैया, सेकेंड भैया, छोटा भाई और ये पापा, ये तीनों है। इस तरह से करते हैं, पापा तो ऐसे काट रहे हैं बेम्बू को। देखिए हमें घर के लिए लकड़ी बेम्बू जो लेके जाना है, तो इस टाइप का बेम्बू को लेते हैं। रंपो, रंपो। मंचिल्ले जनोते ओनाई को ले मरो वन पोंग वन पोंग दोने ले गरे ना कासिले देमो अंगु पिना मादी तो ना इनना अकिना इनकी पोतो पर अतो किले नि मो दोबे मो सादे ले अब आईला अब राजा बरे अब तो देखिए अभी भैया काट दे रहे हैं, मुझे इतना दाव चलाना नहीं आता है, ये मैं घर पे लेके जाऊंगी, इसको भी लेते हैं, फंस गए हैं, ये देखिए ये ले रहा फंस गया, ये देखिए। तो गाइस हमें ये बेम्बू क्यों चाहिए, क्योंकि हमारे घर में कुमसुंग बन रहा है, इसलिए हमें चाहिए, कुमसुंग मीन्स धान रखने का घर। देखिए स्क्रू यहाँ पे रख देती हूँ, तो यहाँ पे पापा ने आग जला दिया है, यहाँ आग जला दिया है पापा ने, इसके बाद ये देखिए पापा का ताली में क्या है, ये देखिए इसको बैक साइड में पहनते हैं और इसको बोलते हैं ताली, और पापा ने यहाँ पे क्या लाया है, बोल रहे हैं खाना भी लेकर आए हैं, तो हम सब आज खाएंगे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे है टमेटो प्याज लाया है, इसको जलाने के लिए बोल रहे हैं मुझे, तो और यहाँ पे शायद मिर्ची होंगे, तो यहाँ पे जलाती हूँ। देखिए बेचारा बस्ती आके कितना मेहनत कर रहा है, बस्ती पूरा बड़े भैया को भी देखिए, ये सब भी पूरा भैया ने कलेक्ट कर दिया यहाँ पर काट के, और ये देखिए छोटा भैया और पापा को कितना मेहनत करते हैं, मेरा हैंडसम भैया, आग जल रहा है और यहाँ पे मैं जलाती हूँ, क्या क्या है देखेंगे पहले, यहाँ पे क्या क्या है देखेंगे पहले, तो पापा ने तुम्हें तो लाया है, यहाँ पे इसको हॉल करने के लिए बना दे रहे हैं, आग में डालने के लिए, जैसे हम इसे डाल दिया था, तो अभी वहाँ पे लगा के डालेंगे आग पे, खोलो ये देखिए, इसको निकाल देते पहले, इतना कष्ट है लेकिन एक अच्छे करने के करेगा ना, तो हमें कुछ बनाना, एक हाथ से करना पड़ रहा है, एक हाथ से मैं वीडियो कर रही हूँ ना, तो चलिए इसको मैं यहाँ दे देती हूँ।
तो ऐसे करके मिर्ची को मैं जला रही हूँ यहाँ पे, ये देखिए, और यहाँ पे टोमेटो। तो इसे जंगल में खाने का मजा भी कुछ और ही है। ये भी मैं चटनी बनाऊंगी यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे मैंने छील दिया है इसको अभी, देखिए। और ये प्याज को भी काटेंगे अभी, देखिए मेरा हाथ ही काला काला हो गया। तो यहाँ देखिए मैंने सब कर दिया है, अभी मैं इसको अच्छे से मिक्सअप करूंगी, ये देखिए। तो देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है, ये देखिए, देखिए, ये देखिए, ओके। और यहाँ मैं थोड़ा ट्राई करके देखती हूँ। तो चटनी हो गया है और मैंने यहाँ पे बांध के रख दिया है, जब भूख लगेंगे तो खाना के साथ खाएंगे हम लोग। क्या करेंगे ये कीड़ों में अवर में ये लकड़ी को बड़ा के रख दूंगी, ताकि बाद में मुझे प्रॉब्लम ना हो और काम में भी ज़्यादा देरी वारी ना हो जाए, इसलिए अभी मेरे भी करके रखूँगी। तो ये पहले का चटनी भैया खोल रहे हैं और यहाँ पर है देखिए, हाँ, और यहाँ पे है मछली, इसको मम्मी ने पामडुंग किया था कल रात को, लोकल फ्रेश पीस लोकल मछली। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, तसुम है, केकरा भी होगा शायद, ओ केकरा नहीं है, मछली है, देखिए। तो मिक्स कर देती हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे पूरा मिक्स कर, देखिए लोकल मछली, ना पिंपुआ, ये का जो देखिए, देखिए ऐसे खाएंगे हम लोग इसके साथ, यहाँ पे देखिए, वाह फ्रेश फ्रेश। खाओ मिर्चा खाओ, इस वाले वीडियो को मैं भैया की फोन से शूट कर रही हूँ, ताकि मैं आप सबको दिखा सकूँ। ये रहा मेरा फोन स्टैंड, उन्होंने ऐसे बना दिया है, यहाँ पे रख के मैं शूट कर रही हूँ वीडियो को। तो देखिए मैंने अपना लकड़ी भी यहाँ पे कंप्लीट डाल दिया है, और अभी मैं इसको बुक के जाऊँगी, अभी नहीं थोड़ी देर बाद में, अभी हम लोग और थोड़ा काम बचा है वो कर लेंगे। स्टैंड ये है बेम्बू से बनाया हुआ, देखिए देखिए। और अपू पे तो
तो गाइस अभी जितने भी बेम्बूस है उसको अभी हम पिकअप में लोड कर रहे हैं, और बेम्बूस भी इतना भारी है मैं क्या बोलूँ। अभी मैं भी एक बुकना चाहूँगी, एक ट्राई ज़रूर करूँगी। मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया है, कभी भी नहीं बुका है, बट मैं आज एक बुक के ही दम लूँगी। और उन्होंने जो इशारा कर रहे हैं कि वो दो बुक के जा रहे हैं, वाओ माई बाहुबली। इंजनों को ना अपना मेरा बोतर ना कोना तो इंजनों को ना अपना मेरा बोतर ना कोना जाता है मेरे ओप्पो ओप्पो यानो इधर पकड़ना भाई ना एक बेंबू बुक कैसा लगा आपको? बहुत बुरा, मुझसे ना हो पाएगा ये सब। तो यहाँ पे देखिए अभी तक लोड कर रहे हैं, अभी काफी बचा हुआ है वहाँ पे, तो यहाँ पे सब रेडी कर दिया है मैंने घर लेके जाने के लिए। पानी वगैरह है, एक ही बोतल पानी बचा है, बाकी सब पी के खत्म कर चुका है। तो आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो गाइस मैं मेरा ये वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, तो मिलती हूँ मेरी एक और नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बाय।